আসসালামু আলাইকুম। আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহি আল্লাযী হাদানা সাবা আত-তারিক ওয়া জাআলানা আত-তাওফীক খায়রা রফীক والصلاة والسلام على من أرسله هداه وبالاهتداء حقيق ونورا به الاقتداء يليق والذين سعدوا في مناهج الصدق بالتصديق وسعدوا في معارج الحق بالتحقيق أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين معه أشداء على الكفار صدق الله العظيم عقيدة ومحبة کے ساتھ مركز عقيدة ارواحنا فداء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں اللہم صلی اللہ علی سیدنا مولانا سیدنا و مولانا محمد و علی و صحبی و علی وسلم صحابی و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے حاکم کیسا ہونا چاہیے अरब में कुछ लोगों को बहुत ज्यादा जीनियस माना जाता है अजहारुल अरब में लिखा हुआ है कि अरब वालों का यकीन और उमर फारूक आजम का जन दोनों बराबर थे। हजरत उमर कौन है, क्या है, आसान लफ्जों में समझे तो पूरा मक्का अबू जहल से डरता था और जिस जात को देखकर अबू जहल के बदन में भी पसीने छूट जाते थे उस जात को उमर फारूक आजम कहा जाता है। हक व बातिल के दरमियान खत्ते इम्तियाज खींचने का माना है फारूक, और खत जितना लंबा हो आजम उतना ही बढ़ता चला जाता है। वाकिया फील के 13 साल बाद पैदा होते हैं। ऐलान नबूवत के बाद हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम बि उमर इब्न अल खत्ताब खास, ए अल्लाह इस्लाम को इज्जत दे उमर फारूक आजम के जरिए। इसका मतलब यह हुआ कि इस्लाम को हजरत उमर फारूक आजम के जरिए इज्जत मिली। मुरीद आपने बेशुमार देखे होंगे, अरादा युरीदों से मुरीद इसमें फाइल का सेगा है जिसका माना है बैत होने वाला, इरादा करने वाला। एक पीर साहब 1000 मुरीद, दूसरे पीर 50,000 मुरीद, किसी के 1 लाख मुरीद, किसी के 10 लाख मुरीद। माजी करीब में सबसे ज्यादा अगर किसी के मुरीद थे वो मुफ्ती आजम हिंद रदी अल्लाह ताला, जिन लोगों ने देखा है वो देखा है।
इस वक्त एशिया में, बल्कि मैं पूरी दुनिया की बात करूं कि एक आदमी जिनके सबसे ज्यादा मुरीद है हुजूर ताजुश्शरी अली रहम और रिदवान की जात। मार्केट में ऐसे भी पीर है जो ढूंढ करके मुरीद करते हैं, आप मेरे मुरीद हो जाइए, मेरे मुरीद हो जाइए, मेरे, उनके मुरीद दूसरे लोगों की जहन साजी करते हैं। कुछ ऐसे भी पीर देखे मैंने जो हर बड़े जंक्शन पे खलीफा बना के रखा है, क्या कि ताकि जब ट्रेन उधर से गुजरे तो वो टिफिन पैक करके भेज दे। हासिल ये कि इस दुनिया में मुरीदों की तलाश जारी है। उमर फारूक आजम उस मुरीद का नाम है। अल्लाह तबारक व तआला ने प्यारे मुस्तफा के जरिए उमर फारूक आजम का इरादा फरमाया। हजरते प्यारे मुस्तफा का जुमला है, अल्लाहुम्मा इज्जिल इस्लाम बि उमर इब्न खत्ताब खासा। ए अल्लाह इस्लाम को उमर बिन खत्ताब के जरिए इज्जत अता फरमा। पता ये चला उमर फारूक आजम मुरीद नहीं, मुरादे मुस्तफा का, मुरादे मुस्तफा का। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा फरमाया और जब इस्लाम लिया है, या रसूल अल्लाह हम हक पर है कि नहीं, कहा बेशक, का फिर छुप के नमाज क्यों पढ़ेंगे? अलल एलान। उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन के बाद अलल एलान नमाजें होने लगे, दीन का काम होने लगा। हजरत उमर फारूक आजम का जुमला है, नहनु कौम अअज्जनल्लाहु बिल इस्लाम फैदम तगैन इज्जत बगैर ही अज़ल्लना अल्लाह। लोगों, हम वो कौम है अल्लाह ने जिन्हें इस्लाम की बुनियाद पर इज्जत अता फरमाई है। वो कौम है अल्लाह ने जिनको इस्लाम की बुनियाद पर इज्जत अता फरमाई। फारूक आजम के जुमले से पता चला इस्लाम की इज्जत फारूक है और फारूक की इज्जत इस्लाम है। हिजरत वाली रात बहुत सारे लोग डर करके छुप छुपा के हिजरत कर रहे थे, मगर मैंने कहा ना, जिसे देखकर अबू जहल को पसीना आ जाए उसे उमर फारूक आजम कहते हैं। उमर फारूक आजम रजी अल्लाह तआला ने ऐलान करते, मन अराद अन तस्कल उम्मुहु व यतम वलदुहु व तुरमिल ज़ौजतुहु फलयल्क़िनी वरा हादल वादी। तुम में से जो ये चाहता है कि उसकी बीवी बेवा हो जाए, उसके बच्चे यतीम हो जाए, उसकी मां उस पर रोए, तो मैं हिजरत कर रहा हूं, हिम्मत है तो कोई रोक करके बताए मुझे। ये चैलेंज कौन कर रहे हैं? हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला। अगर आपका दोस्त, आपका पीए, इंसान का असिस्टेंट बहुत ज्यादा जीनियस हो और उसकी राय के मुताबिक वो काम कर रहा हो, फख्र की बात है, मगर आपको हैरत होगी, उमर फारूक आजम की राय के मुताबिक अल्लाह ने 21 आयतें नाजिल फरमाई। 21 आयत। उम्मातुल मोमिनीन से अगर किसी को कोई सामान चाहिए तो घर के अंदर घुस के मांग लेते। उमर फारूक आजम ने कहा ना, पीछे से आवाज, दरवाजा नॉक करो, अंदर मत दाखिल हुआ करो, पर
ارادے کا اہتمام کرو. رب نے قرآن کی آیت نازل فرما دی وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. یہیں سے ایک سبق ملتا ہے. ازواج مطہرات تمام مومنوں کی ماں ہیں. ہمارے ہندوستان میں کچھ پیر صاحب ایسے ہیں جو مریدہ کو تنہائی میں مرید کرتے ہیں, سر پہ ہاتھ بھی رکھ دیتے ہیں, تنہائی میں بیٹھا کر گھنٹوں تعویذ بھی لکھتے ہیں. یہ حرام. کھنڈوا مدھیہ پردیش میں جب یہ بات شریعت کی گئی تو ایک پیر صاحب نے کہا نا مریدہ بیٹی ہوتی ہے اور بیٹی سے پردہ ضروری نہیں, مریدہ بیٹی ہوتی ہے. لوجک دیکھیں, قرآن شریف میں آیا کہ ازواج مطہرات تمام مومنوں کی ماں ہے. یہ قرآن میں آیا ماں ہے. مریدہ بیٹی ہوتی ہے قرآن میں نہیں آیا, حدیث میں نہیں آیا, لیکن دنیا کے تمام مومنوں کی ماں ازواج مطہرات ہے قرآن میں آیا, اس کے باوجود پردے کو فرض قرار دیا گیا. جب عام مومنوں سے ازواج مطہرات پر پردہ لازم ہے تو پھر یہ پیر صاحب سے مریدہ کا پردہ کیسے ختم ہو جائے گا؟ بھائی صاحب یہ وہ پیر صاحب ہوتے ہیں جو جاہل ہوتے ہیں, جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہیں, جو 10-12 انگوٹھیاں پہنتے ہیں, شریعت کیا ہے انہیں خبر ہی نہیں. اور ایسے پیر صاحب علماء سے بھی دور رہتے ہیں. مرید کو بھی کہتے ہیں علماء سے دور رہنا کیونکہ ہماری بنتی نہیں ہے. بھائی صاحب آپ کی علماء سے نہیں, شریعت ہی سے نہیں بنتی ہے, نبی سے ہی نہیں بنتی ہے, قرآن و حدیث ہی سے نہیں بنتی ہے. یہ بولے کیونکہ وہ عالم عالم نہیں جو اپنی طرف سے بات کرے, عالم وہی عالم ہے جو نبی کی بات کرتا ہے, جو قرآن کی بات کرتا ہے, جو اللہ کی بات کرتا ہے. اور باضابطہ حدیث شریف میں بھی آیا, ایک نابینا صحابی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین سے فرمایا پردہ کرو. ام المومنین نے کہا یا رسول اللہ وہ دیکھتے نہیں ہیں, نابینا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دیکھتی ہو نا. یہ حدیث بول رہا ہے غلام جیلانی حضرت. ایک شخص آیا حضرت عمر فاروق اعظم کے یہاں, اور یہ جو تقریر ہو رہی نا یہ سب کو دماغ میں سیو کرتے ہوئے چلے جائے اور اپنی لائف میں اس کو عملی جامع پانا ہے. اور آپ کے سامنے بات آئے تو یہی جواب دے, تب تو جلسے کا مقصد حل ہے. ورنہ 40-50 سال سے موربی میں محرم کے 10 روزہ پروگرام ہو رہے ہیں اور برسوں ہوتے قیامت تک ہوتے رہیں گے, مگر عمل نہیں کیا تو موربی سے جہالت کا خاتمہ نہیں ہوگا. ہر ہر جملے قابل یاد اور قابل یوز, قابل عمل. ایک یہودی آیا اور کہا حضرت عمر فاروق اعظم سے, اللہ سے تو ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور ہم آپ کے نبی کو مان بھی لیتے, مگر وہ جو وحی لے کے آتے ہیں نا وہ جبریل علیہ السلام, ان سے ہماری نہیں بنتی. کون بول رہا ہے؟ ایک یہودی. جو وحی لے کے جو آ رہا ہے نا ان سے نہیں بنتی ہے, دوسرے فرشتہ آتے تو بن جاتی ہے ہماری. عمر فاروق اعظم جانتے ہیں کیا جواب دیتے ہیں؟ من کان عدو للہ و ملائکتی و رسولی و جبریل و میکال فإن اللہ عدو للکافرین. جو اللہ کا, فرشتوں کا, جبریل کا, میکائل کا دشمن ہو تو اللہ اس کا دشمن, اللہ کافروں کا دشمن. یہ جواب حضرت عمر فاروق اعظم کا ہے. رب کو اتنا پسند آیا کہ قرآن کی آیت بنا دیا ہے. اس کو ہو بہو یہی جواب قرآن میں نازل ہو چکا ہے. من کان عدو للہ و ملائکتی و رسولی و جبریل و میکال فإن اللہ عدو للکافرین. حاکم عمر فاروق اعظم حاکم ہے اور انہی کا سنٹینس ہے, رئیس القوم خادم ہو. جو حاکم ہوتا ہے ایکچولی وہ سروینٹ آف دا پیپل ہوتا ہے,
सर्वेंट ऑफ द पीपल, इनफैक्ट दे आर हाकिम, दे आर लीडर्स। और ये हजरत उमर फारूक आजम ने किया, खिदमत की। उमर फारूक आजम के जमाने में फतुहात बेशुमार हुए। बैतुल मकदिस के बारे में आपने सुना होगा, हमें बताने की जरूरत नहीं। इतना जरूर बता दूं, बैतुल मकदिस की बात आई तो उमर फारूक आजम ने फतह किया, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने भी फतह किया, उसके बाद फिर कब्जा हो गया, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फतह किया, अभी फिर कब्जा हो रहा। सलाहुद्दीन अय्यूबी जब छोटे थे और खेल रहे थे, फआकबहु वालिदुहु, वालिद ने उनका तआकुब किया और कहा, अंत लैसा मिन शानिकल लाइब माल अदफाल फअंत मन सौफ यफ्तहुल अबसार। बचपन में वालिद का जुमला है, बेटे तुम्हारी ये शान नहीं है, तुम्हारी ये हालत नहीं कि बच्चों के साथ खेलो, अनकरीब तुम मस्जिद अक्सा को फतह करने वाले हो। सलाहुद्दीन अय्यूबी छोटे थे, दिमाग में लिखा गया कि कोई चीज है मस्जिद अक्सा, और जब वही बड़े हुए तो मस्जिद अक्सा को फतह कर लिया उन्होंने। बचपन में बोला गया था, इससे क्या पता चला, अगर आप बाबरी को वापस चाहते हैं तो बच्चों के भेजे में लिखना होगा, मुर्दा सुन्नत को जिंदा करना चाहते हैं, आबाओ अजदाद के शायर को हासिल करना चाहते हैं तो बच्चों के दिमाग में डालना होगा। कितने कम नसीब हैं हम लोग, बेटा ये प्रॉपर्टी हमारी है, ये खेत हमारा है, ये मकान हमारा है, ये बिल्डिंग हमारी है, ये सब भेजे में उतार देते हैं और अलमारी में रजिस्ट्री भी बता देते हैं। मगर काश अपने बच्चे को हम ये भी बताते, हफ्ज़े कुरान हमारी जिम्मेदारी है, इस्मत मुस्तफा हमारी जिम्मेदारी है, मस्जिद बाबरी हमारी जिम्मेदारी है, फिलिस्तीन हमारी जिम्मेदारी है, हुर्मत काबा की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। जब जब को कुरान को जलाएगा, जलाने वाले को जलाकर राख कर देना, ये हमारी जिम्मेदारी है। नामूस रिसालत पर कोई उंगली उठाएगा तो उसके हाथ को जड़ से काट देना, ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर ये बच्चों के दिमाग में बैठा है तो रजिस्ट्री के लिए एक बार मरेगा नहीं, मगर नामूस रिसालत के लिए 2400 घंटा मरने को तैयार होगा। उमर फारूक आजम रदियल्लाहु ताला कौन नहीं जानता, बैतुल मकदिस कब्जे में है यहूदियों के, कहा तुम्हारा लीडर लाओ, उनको देखेंगे, उसकी कुछ निशानियां है तो मैं दे दूंगा। खत लिखा गया, आप तशरीफ लाते हैं, मशवरा करते हैं, तशरीफ लाते हैं। देखा वो दूर से आ रहे, कहा ये जो ऊंट पे सवार है वो है, कहा नहीं जो सवार है वो नहीं है, जो ऊंट की रस्सी पकड़ के आगे आगे चल रहा है ना, वो अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम है। सोच सकते हैं, रईसुल कौम खादिम हूं, एक ही सवारी है, मैं चलूंगा तो तुम थक जाओगे, अपने गुलाम से कहते हैं, इसलिए थोड़ी देर तुम चलोगे, थोड़ी देर मैं चलूंगा। रईसुल कौम खादिम हूं, जेड सिक्योरिटी पे मुल्क का पीएम लाखों करोड़ों खर्चा करने वाला, उस एक दिन के सफर से एक गरीब की गुर्बत नहीं बल्कि पूरे शहर की गुर्बत खत्म हो सकती है, मगर इस पे कोई तवज्जो नहीं, क्योंकि इतना बड़ा क्रिमिनल और मुजरिम है कि अकेले चलने ही में नानी दादी याद आती है। मगर उमर फारूक आजम, बल्कि हजरत अली से किसी ने कहा, हजरत सिक्योरिटी रख लीजिए ना, बॉडीगार्ड। कहा क्यों? कहा दुश्मन ज्यादा। हजरत अली जवाब देते हैं, जब तक मौत नहीं आएगी मौत खुद मेरी बॉडीगार्ड है, इसलिए मुझे क्यों जरूरत है। खुतबा दे रहे उमर फारूक आजम, दौरान खुतबा फरमाते हैं, या सारी अल जबल, या सारी अल जबल, या सारी अल जबल। हजरत अब्दुल रहमान ने कहा, हजरत ये अचानक खुतबा के बीच में सारिया अलजबल, सारिया पहाड़ की तरफ आओ, पहाड़ की तरफ आओ, पहाड़ की तरफ आओ, क्यों?
उमर फारूक आजम का जवाब सुनिए। फरमाते हैं राई तुम यु कातिलून इंद जबल युतून मिन बैन अयदीहिम व मिन खल्फिहिम फलम अमलिक अन कुल या सारी अल जबल। मैंने देखा दुश्मन पहाड़ के पीछे से आ रहे थे, आगे से भी आ रहे थे और पीछे से भी आ रहे थे। अगर मैं नहीं बोलता तो मुझे खौफ था कि वो अटैक कर देते और पूरी फौज तबाह बर्बाद हो जाती। दौरान खुतबा मैंने कहा या सारी अल जबल, और ये आवाज हजरत सारिया ने सुनी और सुनने के बाद पहाड़ की तरफ आए, अपने आप को महफूज किया, फिर पलटवार किया और जंग जीत गए। और क्वेश्चन अराइज इन अवर माइंड, सैटेलाइट नहीं है, अल्ट्रासाउंड नहीं है, फोन सिस्टम नहीं है, वीडियो कॉलिंग नहीं है, फेसबुक ट्विटर व्हाट्सएप गूगल नहीं है, www.theworldglobalvillage.com का नामो निशान नहीं है, इंटरनेट नहीं है, लैपटॉप रोल टॉप टैबलेट नहीं है, दुनिया में किसी जदीद टेक्नोलॉजी जिसकी बुनियाद पर पूरी दुनिया को देहात बना दिया गया इसका नामो निशान नहीं था। उसके बावजूद जो फौज लड़ रही थी सारिया की, ये कोई चंद किलोमीटर के फासले को नहीं थी बल्कि नेहावंद के अंदर थी। और अशियातुल लमआत के अंदर आया नेहावंद दर ईरान सूबे अज़रबैजान अस्त के अज़ बिलादे जिबाल के अज़ मदीना बयक मा आजा नतवा रसीद, वो अज़रबैजान के अंदर है। और अज़रबैजान के अंदर मदीना से वहां पहुंचना महीना भर का रास्ता था। एक महीने की मसाफत पर उमर फारूक आजम ने खुतबा के दौरान जो जुमला कहा वो आवाज वहां पहुंच जाती है, कई सवालों का जवाब निकलता है। सवाल नंबर एक का जवाब यह है, भेजा उमर ने है, जहां भेजा है अपनी निगाहों से देख रहे हैं कौन कहां है किधर लड़ रहा है, और सिर्फ देख नहीं रहे हैं, जरूरत पड़ती है तो मदद भी फरमा लेते हैं बगैर मोबाइल के, बगैर टेक्नोलॉजी के। या सारी या अल जबल, और आवाज को सुन भी लिया उन्होंने। इससे क्या पता चला कि जो हकीकत में हाकिम होता है और टेक्नोलॉजी का मोहताज नहीं होता है, वो जेड सिक्योरिटी का मोहताज नहीं होता, वो गूगल व्हाट्सएप ट्विटर का मोहताज नहीं होता। एक और हैरत की बात बताऊं आपको, बैतुल मक्दिस से जब लौट रहे थे हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह वन, एक बुढ़िया ज़ईफ़ा से मुलाकात हुई। मा रायु बे अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन के बारे में आपकी क्या राय है? किससे पूछा? एक ज़ईफ़ा से। जानते हैं ज़ईफ़ा क्या बोलती है? अच्छा आदमी नहीं। कहा अल्लाह तुझ पे रहम करे, क्या हुआ है? बोले जब से वो अमीरुल मोमिनीन बना है बैतुल माल से एक कौड़ी भी मुझे नहीं दिया, और मैं इतनी गरीब हूं, एक कौड़ी बैतुल माल से मुझे नहीं दिया। उसे पता नहीं था यही है। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं अल्लाह रहम करे उन्हें, क्या खबर तुम इस हालत में हो। अब बुढ़िया का जवाब सुनिए, वो ज़ईफ़ा बोलती है, और आज के पीएम को हाकिम को ये जवाब नोट कर लेना चाहिए। वो ज़ईफ़ा बोलती है उसको अमीर और हाकिम बनने का हक ही नहीं है जो पब्लिक की खबर नहीं रखता है। मणिपुर में क्या हो रहा है 70 दिन के बाद पता चल रहा, नॉनसेंस इडियट बुलशिट। हाकिम ये है वो टेक्नोलॉजी के मोहताज नहीं, बल्कि दुनिया के दुनियाई हुकूमत के किसी खित्ते में किसी के साथ जुल्म हो रहा है तो हाकिम को एहसास होना चाहिए, एहसास होना चाहिए। उमर फारूक आजम हाकिम है, जंगल में एक चरवाहा चिल्लाता है उमर फारूक आजम का इंतकाल हो गया, उमर फारूक आजम का इंतकाल हो गया, और मदीना से कई किलोमीटर दूर जंगल में। का भाई तुझे क्या पता कैसे खबर लगी उमर फारूक आजम का इंतकाल हो गया? जानते हो चरवाहा क्या जवाब देता है? जब तक हाकिम आदिल जिंदा था जंगल में एक जानवर भी दूसरे पे जुल्म नहीं करता था, एक जानवर भी दूसरे जानवर पे जुल्म नहीं करता था।
भेड़िया मेरी बकरी को आज ले गया, मैंने देखा ले जाते हुए। इसका मतलब यह है कि शहर से हाकिम आदि उमर फारूक आजम का इंतकाल हो चुका है, और जब इंक्वायरी की गई तो इंतकाल हो चुका था। कम्युनिकेशन का मतलब समझ रहे हैं? अल्लाह हू अकबर। एक पब्लिक का हाकिम से कितना अटैचमेंट, सिस्टम का हाकिम से कितना अटैचमेंट। हाकिम कैसा होना चाहिए? उमर फारूक आजम खुतबा दे रहे हैं, लोगों महर बहुत ज्यादा रख रहे हो, कम रखो। तकरीर हो गई उमर फारूक आजम की। तकरीर करके जब बाहर निकले तो एक खातून ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, कुरान में तो आया वाती तुम एहदा हुन्ना किंतारा, महर में माले कसीर दे चुके हैं तो वापस न लें। तो माले कसीर में 1000 भी दाखिल है, 1 लाख भी, 1 करोड़ भी, 1 अरब भी। माले कसीर का लफ्ज कुरान में आया महर के बारे में, रब माले कसीर कह रहा है और आप कह रहे हैं कम रखो। ये जुमला सुनना था कि उमर फारूक आजम तारीखी जुमला बोलते, अल्लाहुम्मा कुल्लु अहदिन अफ़क़हु मिन उमर, और फौरन पलटे। अपने खुतबा से रुजू किया उन्होंने, अपने जुमले से रुजू किया और कहा, मैंने कहा था महर कम रखो, महर जितना रखना है रखो। इसका मतलब यह हुआ, हाकिम गलती करे तो एक आम आदमी भी गिरफ्त करने का हक रखता है। हाकिम ऐसा होना चाहिए, हाकिम ऐसा होना चाहिए। वार्ड अध्यक्ष और जुल्म पे जुल्म किया जा रहा, अब कोई बोले तो उसको दादागिरी की बुनियाद पर दबा दिया जाता है। यह उमर फारूक आजम और इस्लाम के नियम के खिलाफ खुतबा दे रहे थे। कपड़ा माले गनीमत में आया था, बेशुमार मुल्क फतह हो रहे थे, और कपड़ा आता था तो वो भी बटता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो आया 100 किलो तो सब में बटेगा थोड़ा थोड़ा और बराबर, और वो थोड़ा थोड़ा जितना एक आम आदमी को मिलेगा उतना ही अमीरुल मोमिनीन को भी मिलेगा। समझ में आया? सोच सकता है कोई? माले गनीमत में जो चीज आई सबको बराबर, अमीरुल मोमिनीन को भी उतना ही मिलेगा जितना एक आम आदमी को मिलेगा। हाकिम ऐसा होना चाहिए। उमर फारूक आजम खुतबा दे रहे और माले गनीमत में कपड़ा आया था, और कपड़ा इतना ज्यादा नहीं था कि लंबा कुर्ता से आया जा सके, मगर उमर फारूक आजम लंबा कुर्ता पहने थे। एक सहाबी ने कहा, हजरत आपका खुतबा नहीं सुनेंगे, पहले यह लंबे कुर्ते की वजह बताए। कपड़ा तो सबको बराबर मिला था, आपका लंबा कुर्ता कैसा हो गया? मेरा तो हुआ ही नहीं लंबा। इसका जवाब दे तब खुतबा सुनेंगे हम लोग। अल्लाह हू अकबर। वो उमर जिनके आधा पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। जलालो हैबत का ये आलम है कि जब अमीरुल मोमिनीन बने तो डर के मारे मदीने वाले दरवाजा नहीं खोल रहे, मगर मिंबर पर खुतबा देने से रोक दिया गया। चाहते तो कहते इसको अरेस्ट कर लो, गिरफ्तार कर लो, मगर ना का ठीक है, मैं खुतबा नहीं दूंगा, पहले इसका जवाब दूंगा। अपने बेटे से कहा, तुम बताओ सही वजह क्या है, कुर्ता लंबा कैसे हो? मेरा कुर्ता बना क्यों? पर्सनालिटी हाई थी, मेरा कुर्ता लंबा बना कैसे? बेटे ने जवाब दिया खड़े होके कि बिल्कुल जितना सबको कपड़ा मिला था उतना ही मेरे वाली साहब को भी मिला था, मगर उस कपड़े से वाली साहब का कुर्ता नहीं बन पाता, इसलिए मैं अपना वाला हिस्सा दिया तो दोनों मिला करके उनका कुर्ता बना है। हाकिम ऐसा होना चाहिए, हाकिम। एक लंगड़ी अपाहेज लड़की सामने खड़ी, बेटे से पूछा, ये कौन है? कहा, ये आपकी बेटी है। मतलब? कहा, आपकी पोती। और इस हालत में इसलिए है कि खाना पीना ज्यादा नहीं मिल पा रहा। उमर फारूक आजम फरमाते हैं, बैतुल माल पब्लिक का हक है, तुम अगर इस गलत फहमी में हो कि मैं तुमको एक्स्ट्रा दे दूंगा, ये मुझसे हरगिज नहीं हो सकता। खाने की वजह से पोती कमजोर है, चल नहीं पा रही, सोच सकता है कोई? हाकिम कैसा होना चाहिए?
बेटे ने ऊंट खरीद करके सरकारी चरागाह में छोड़ दिया और जब तंदुरुस्त हो गया तो उसको बेच दिया। कहा ये ऊंट किसके है? कहा आपके बेटे का है। कहा अच्छा, बिकवाया और कहा जितने में खरीदे थे उतना पैसा तुम लो, बाकी पैसा बैतुल माल में जमा कर दो क्योंकि चरागाह सरकारी चरागाह में तुमने चराया, पब्लिक की प्रॉपर्टी में चराया। सोच सकता है कोई हाकिम कैसा होना चाहिए? यहूदों नसारा और वेस्टर्न कंट्री ने अलेक्जेंडर नाम किसी और का दे दिया है, जो 20 साल की उम्र में बादशाह बना, 23 साल की उम्र में मकदूनिया से निकला और उसने यूनान, टर्की, ईरान, शाम, बाबिल, मिस्र, हिंदुस्तान को फतह किया। 33 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। 10 साल में इस शख्स ने 17 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत की। दुनिया वाले इसको अलेक्जेंडर बोलते, द ग्रेट अलेक्जेंडर। मगर वो मेरे फारूक को पढ़ ले तो द ग्रेट अलेक्जेंडर को द ग्रेट कहना भूल जाएंगे, क्योंकि उमर फारूक आजम ने 10 साल की मुद्दत में 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत की है। उसने तो लाखों लोगों को, अपनी फौज को मौत के घाट उतरवा दिया है, मगर उमर फारूक आजम ने मौत नहीं बल्कि यहूदी और नसारा को भी जिंदगी अता फरमा दी है। द ग्रेट अलेक्जेंडर दुनिया में अगर कोई कहलाने का मुस्तहिक है तो सिर्फ और सिर्फ उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला, सिर्फ और सिर्फ उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला। रात में गश्त कर रहे थे। यहां एक पॉइंट बताने वाला हूं। अपने लोग ये सोचते हैं कि सुन्नी हैं हम लोग, अल्लाह का शुक्र, लेकिन अगर वहाबी देवबंदी से लड़की ले आएंगे तो थोड़ी फर्क होगा। लड़की दी थोड़ी है कि नवासा देवबंदी और वहाबी होगा, लड़की ली है हमने। ये थॉट हमारे ईमान को तबाह बर्बाद कर देगा और इसकी जिंदा दलील यहां देने जा रहा हूं। 2 नवंबर 681 ईस्वी में, पहली सदी हिजरी, चूंकि अल्लाह ने नबी के बाद निजामे इस्लाम को आगे बढ़ाने के लिए हर सदी में मुजद्दिद को पैदा फरमाया, हर सदी में, पहली सदी हिजरी के मुजद्दिद है उमर बिन अब्दुल अजीज रदी अल्लाह ताला, जिसने यहूद यजीदियों को चुन चुन के मारा। उनकी मौजूदगी में किसी ने यजीद को अमीरुल मोमिनीन बोल दिया, कहा इसको 20 कोड़े मार। यजीद को अमीरुल मोमिनीन बोलता है और 50 बार बोल इमाम हुसैन अमीरुल मोमिनीन है, सजा दी। यजीदियत का खात्मा करने वाले पहली सदी हिजरी के मुजद्दिद उमर बिन अब्दुल अजीज रदी अल्लाह ताला। लेकिन उमर बिन अब्दुल अजीज बिन मरवान, उमर बिन अब्दुल अजीज के दादा का नाम मरवान है। इतना बड़ा मर्दूद आदमी जिसने सबसे पहले कत्ल हुसैन का मशवरा, मदीना में कत्ल हुसैन का मशवरा किसने दिया है? मरवान ने दिया है। नबी के शहजादे नवासे जुल्फे मुस्तफा को पकड़ के कांधे पे बैठ के खेलने वाले इमाम हुसैन, उनको कत्ल का मशवरा सबसे पहले रुई जमीन पर देने वाला मरवान है। अ क्वेश्चन अराइज, इतना बड़ा कमीना दादा है, पोता मुजद्दिद कैसे हो गया? दादा इतना बड़ा कमीना, अहले बैत का दुश्मन, इमाम हुसैन का दुश्मन, पोता मुजद्दिद कैसे बन गए? जब हमने पढ़ना शुरू किया तो पढ़ते 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 याद आया, एक बात आई। उमर फारूक आजम गश्त कर रहे हैं, एक घर से आवाज आई, बेटी दूध में पानी मिला दे। बेटी ने कहा मां,
अमीरुल मोमिनीन का कानून नहीं मालूम, कोई दूध में पानी नहीं मिलाएगा। मानेगा बेटी, वो देखने के लिए नहीं आएंगे, मिला दे मिला दे। बेटी ने कहा मैं उन औरतों में से नहीं हूं जो आंखों के सामने वफादारी और पीठ पीछे गद्दारी करो। उमर फारूक आजम गश्त कर रहे, गुलाम से कहा शुड बी नोटेड दिस हाउस, घर को नोट कर लिया। सुबह मुतालबा किया गया, पता चला ग्वालन, उनकी ईमानदारी, दयानतदारी, सदाकत, हक्कानियत, बेबाकी और इस्लाम पर अमल करने के तरीके को देखकर उमर फारूक आजम ने अपने बेटों से कहा तुम में से कौन इससे शादी करेगा, याद रखिए। हम अगर इस नियत से बेटे की शादी कर रहे हैं कि हमारी जो बहू आएगी वो अमीर होगी, नियत बातिल। जहेज में कार गाड़ी मिलेगी, नियत बातिल। हमारा समधी या हमारे बेटी की तरफ वाले गवर्नमेंट सर्वेंट है, आईएसपी कलेक्टर है, नियत बातिल। मेरे भाई कभी दामाद ढूंढना हो तो मस्जिद की पहली सप में दाएं तरफ जाके दामाद ढूंढे, ये इस्लाम और तारीख में आया है। एक आदमी रोजाना मस्जिद में जाके दामाद ढूंढ रहा था, पहली सब में देखा, एक नौजवान समझ में आया, हाँ भाई भाई मेरे बेटे से बेटी से शादी करेगा, बोले हाँ ठीक है कर लूंगा। शादी हो भी गई। जब डोली जाती है दूल्हे के घर पे, घर के अंदर कोने में टोकरी से कुछ छुपा हुआ था। दुल्हन ने कहा मेरे सरताज टोकरी में क्या छुपा हुआ है, कहा आधी रोटी, आधी रोटी आज खाई, आधी रोटी कल के लिए बचा के रख। दुल्हन कहती मेरी डोली को वापस कर दी जाए, आपका ईमान तो कबूतर और मैना से भी गया गुजरा, वो डेली खाता है घोंसले में जमा नहीं करता, क्योंकि उसे यकीन है जिस अल्लाह ने आज खिलाया है वो अल्लाह कल भी जिंदा, हमेशा जिंदा, वो कल भी हमें खिलाएगा। डोली को वापस की जाए, वापस आ गई डोली। दामाद ढूंढना हो तो मस्जिद में जाके ढूंढे। और मुझे हैरत होती है उन लोगों पर जो डिमांड करते हैं कार की, फोर व्हीलर की, 10 लाख की, 5 लाख की। मेरे भाई जब निकाह पढ़ते हैं हम लोग तो जानते हैं क्या कहा जाता है, 7786 या 50786 दैन महर सिक्के रायजुल वक्त अलावा नानो नफका के। नान कहते हैं रोटी को, नफका कहते हैं खर्चा को, यानी रोटी और खर्चा के अलावा ये 50786 देना पड़ेगा। किसको? दुल्हन को देना पड़ेगा। और खिलाना पिलाना सब किसके जिम्मे? दूल्हा के जिम्मे। अब जो दूल्हा 5 लाख लिया है तो अलावा नानो नफका के कहां हुआ? वो तो लड़की से 5 लाख 5 साल का नानो नफका लेके आ रहा, तो अलावा नानो नफका के कहां हुआ? 5 साल का नानो नफका लेके आने वाला वो बीवी की कमाई खा रहा, तो वो हाकिम कहां से होगा? हुकूमत उसकी कैसे चलेगी भाई? जब बीवी की कमाई खा रहा हो तो लेकर के आया ना 5 साल का खाना। That's point. 22 लाख मुरब्बा मील का हाकिम दूध बेचने वाली ग्वालन के हवाले से कहते हैं बेटो तुम में से कौन शादी करेगा? एक बेटा तैयार हुआ, हजरत मैं करूंगा शादी। उसी खातून, दूध बेचने वाली खातून के पोते का नाम उमर बिन अब्दुल अजीज रदियल्लाहु ताला। ये नानी की तरफ से शराफत आई। उमर फारूक आजम का खून है उमर बिन अब्दुल अजीज के अंदर। पता ये चला नानी दूध में पानी नहीं मिलाती थी तो अल्लाह ने नवासा मुजद्दिद की शक्ल में दे दिया है। अगर हम चाहते कि हमारे यहां नवासा मुजद्दिद हो तो नानी अच्छी होनी चाहिए। इसलिए भूल से भी बेटी लाए मत, नानी देवबंदी होगी तो नवासा भी उधर ही जाएगा। 22 लाख मुरब्बा मील के हाकिम उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला, जिस वक्त दुनिया में द ग्रेट अलेक्जेंडर कहलाने वाला मरा,
मुल्कों को फतह करने के चक्कर में लाखों लोगों को गवा दिया उसने, मगर दुनिया को कोई निजाम नहीं दिया। खंडवा मध्य प्रदेश में एक बार पुलिस का कोई फंक्शन था, उसमें बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े डॉक्टर लोग मौजूद थे, नाचीज को भी दावत दी गई थी। मैं गया तो देखा मेरा नंबर ही नहीं आ रहा, मैं उठ के आ गया। लेकिन जितनी देर रहा उतनी देर ये देखा कि लोग बाजाबता ये कह रहे थे कि पुलिस का सिस्टम कब शुरू हुआ ये हमें नहीं पता। जब ये स्पीच मैं डॉक्टरों की सुन रहा था तो मुझे हैरत हुई और इस्लाम पे फख्र भी हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े डॉक्टर कॉलेज से पढ़े लिखे BUMS MBBS MD IAS IPS कलेक्टर SP को नहीं पता कि पुलिस का सिस्टम कब शुरू हुआ, मगर आलिम के कोर्स में हमें यह पढ़ाया गया है पुलिस का सिस्टम जिसने दुनिया को दिया, राज किया, निजामे पुलिस दी, जेल, अदालत, ये सब जिसने बनाया, दुनिया उस जात को उमर फारूक आजम के नाम से याद करती है। मैं एक लिस्ट बताता हूं उमर फारूक आजम ने क्या क्या ईजाद किया पूरी दुनिया में, और आज भी फॉलो कर रहे कुफरों शिर्क वाले भी, अमेरिका भी, डरबन भी, इटली भी, इंडिया भी, पूरी दुनिया में बैतुल माल का निजाम जिसने दिया उमर फारूक आजम रजी अल्लाह तआला। इंसाफ के लिए अदालतें कायम की और काजी यानी जज मुतय्यन किया, उससे पहले अदालत ही नहीं, अदालत बनाई, काजी मुतय्यन किया। कौन थे ये काजी का मौजूदा नाम जज है, हिंदुस्तान में भी काजी ही था, बाद में जज का सिस्टम आया। और उमर फारूक आजम काजी से अपने बारे में भी पूछते थे कि मेरे बारे में तुम्हारी क्या राय है। सोचे आप, हाकिम ऐसा होना चाहिए। मुल्के आलम 208 कंट्री के प्रेसिडेंट से जाके पूछे कि तू अपने आप के बारे में जाके सुप्रीम कोर्ट के जज से पूछ कि मैं कितना बड़ा कमीना, मर्दूद, खबीस हूं, बता तू। कोई डर के मारे नहीं जाएगा, बल्कि हाल यह है कि कई केस को क्रॉस करके तो पीएम बनता है, मगर उमर फारूक आजम खुद अपने बारे में काजी से पूछते हैं मेरे बारे में आपका क्या ख्याल है। काजी बोलता है कि मैं आपको गुनाह करने पर कादिर पाता हूं और आप नहीं करते, और जिस दिन करेंगे मैं सीधा कर दूंगा। काजी बोलता है उमर फारूक आजम को। उमर फारूक आजम से पहले दुनिया में ईसवी चलती थी, अभी भी चलती है, आप लोग को भी ज्यादा ईसवी तारीख याद रहती है। कितना दिमाग दिया अल्लाह ने, हिजरी, मुहर्रम, सफर, ये राज किया और हिजरत से राज किया। अभी 1445 हिजरी शुरू हुआ है। ये जो हिजरी जिसने ईजाद किया उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला ने, ताकि जब जब लोग हिजरी बोले हिजरत मुस्तफा याद आए। इजाद नंबर 4, सारी इस्लामी दुनिया के खलीफा के लिए अमीरुल मोमिनीन का लकब मुतय्यन किया उमर फारूक आजम। इजाद नंबर 5, फौजी ऑफिस कायम किया, छावनी बनाई जगह जगह, ऑफिसें बनाई फौज के लिए। इजाद नंबर 6, दीन और मिल्लत की खिदमत करने वालों के लिए वजीफा मुतय्यन किया, उससे पहले वजीफा नहीं था। अल्लाह ने आपको तौफीक दी है तो चूंकि भलाई का हुक्म देना, बुराई से रोकना आपकी ड्यूटी, लेकिन एक आदमी बाजाबता इसी काम के लिए लगा हुआ। मुझे खंडवा की एक बात फिर याद आई, खंडवा में एक मीटिंग हो रही थी, एक साहब ने कहा कि आप अध्यक्ष हैं तो सैलरी नहीं ले सकते, आप सदर है ना सोसाइटी के, तो सैलरी लेना जायज नहीं है, नहीं ले सकते आप। बहुत तेवर में मौलाना साहब को डांट रहे थे,
मैं मिस्र से नया नया पढ़ के आया था और नया नया खून भी था, मैं फौरन खड़ा हो गया कि ये कहां लिखा हुआ भाई, हमने तो ये पढ़ा है पूरी दुनिया के सदर प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बैतुल माल से उनका वजीफा था, उमर फारूक आजम सदर बने बैतुल माल से वजीफा था, अबू बकर सिद्दीक सदर बने बैतुल माल से वजीफा था, जो मौलाना साहब 2400 घंटा मदरसा मस्जिद के लिए दे रहे हैं उसकी बीवी बच्चों का जिम्मेदार कौन हो, तनख्वाह जायज, खामोश। जो इंसान दीनों मिल्लत की खिदमत पे मुतय्यर हो गया उसके लिए तनख्वाह रहेगी, ये सिस्टम जिसने दिया है उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला, वरना पुलिस की कोई तनख्वाह नहीं थी, एसपी कलेक्टर की कोई तनख्वाह नहीं थी, काजी की कोई तनख्वाह नहीं थी, जज की कोई तनख्वाह नहीं थी, ये राज जिसने किया है, सोचे दिमाग की किस बुलंदी पर फायदा है। इजाद नंबर 7, माल गोदाम और उसका ऑफिस बनाया। इजाद नंबर 8, जमीनों की पैमाइश कराई। ये 1 स्क्वायर फीट 2 स्क्वायर फीट ये अभी चल रहा है, नापने का तरीका जिसने इजाद किया है उमर फारूक आजम रजी अल्लाह। इजाद नंबर 9, राय शुमारी, वोटिंग कराई, राय ली जाए, मर्दुम शुमारी कराई जाए, कितने लोग हैं कहां कहां पर, बायोडाटा जमा होना चाहिए, ये सिस्टम किसने दिया, उमर फारूक आजम। इजाद नंबर 10, सिंचाई के लिए नहरें निकलवाई, खेतों में पानी देने के लिए नहरें बनवाई, उमर फारूक आजम रदी अल्लाह। इजाद नंबर 11, कूफा और बसरा जैसे बड़े बड़े शहर उमर फारूक आजम ने बनवाए लोगों के लिए, शहर बनाने का सिस्टम भी उमर फारूक आजम रदी अल्लाह। कॉलोनी अभी कट रही ना, कॉलोनाइजर अभी हुए है ना, शहर बसाने का सिस्टम जिसने दिया है उमर फारूक आजम रदी अल्लाह। इजाद नंबर 12, मछलियों पर टैक्स लागू किया। इजाद नंबर 13, जिन देशों से ताल्लुकात थे वहां आने जाने की इजाजत वीजा वाला सिस्टम कायम किया, एम्बेसी बनवाई। सोच सकते हैं आप ये कौन है उमर फारूक आजम, पूरी दुनिया पर एहसान है उमर फारूक आजम का, ये अमेरिका, ये डरबन, ये लिटली, ये सिसली, ये सब उमर फारूक आजम के इजाद के कदमों की जूती तले दबे हुए हैं। अगर उमर फारूक आजम के इजादात को छोड़ दे तो निजाम दुनिया तबाह बर्बाद हो जाए। इजाद नंबर 14, मुजरिमों के लिए जेल खाने उमर फारूक आजम ने बनवाए, उससे पहले जेल था ही नहीं दुनिया में, कितना एहसान है दुनिया पर उमर फारूक आजम का। इजाद नंबर 15, सजा देने के लिए कोड़े का इस्तेमाल। इजाद नंबर 16, रातों को गश्त करके आवाम की हालत पर नजर रखने का सिस्टम बनाए, वॉचिंग की जाए, देखा जाए कौन किस हालत में, कोई रो तो नहीं रहा, कोई बच्चा भूखा तो नहीं, कोई मां ऐसी तो नहीं है जिसका शौहर सरहद पे लड़ रहा है उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं, ओढ़ने के लिए कुछ भी नहीं, बिछाने के लिए कुछ भी नहीं, मुसीबत ज्यादा तो नहीं है। रातों को गश्त किया जाए, यहां जा सामने जाके बोले कि हम भूख से मर रहे हैं दे दे तो भगा दिया जाता, और वहां खुद से हाकिम जा रहा। इजाद नंबर 17, पुलिस डिपार्टमेंट कायम किया। इजाद नंबर 18, जगह जगह फौजी छावनियां बनाई। इजाद नंबर 19, बच्चों के लिए वजीफा, अमेरिका में अभी आया है 1400 साल पहले, प्रेगनेंटी के लिए वजीफा उमर फारूक आजम ने शुरू कर दिया था, बच्चे ज्यादा है, बाप कमा रहा, उसकी कमाई से बच्चों का पेट नहीं भर पा रहा, उमर फारूक आजम ने स्कॉलरशिप जारी कर दिया। अफसोस है मौजूदा दुनिया की हुकूमतों पर, बजाय स्कॉलरशिप जारी करने के बच्चों को कम करवा देता है, हम दो हमारे दो, वला हौला वला कुव्वत। एक जगह है मध्य प्रदेश में, उसका नाम है खार, खंडवा से 35 किलोमीटर दूर है, हजरत 35 किलोमीटर दूर, वहां एक शख्स बोला, काफिर था,
वो बोला कि इंसान जब मरता है ना तो दोबारा किसी न किसी जानवर की शक्ल में किसी न किसी शक्ल में पैदा हो जाता है। अच्छा काम करेगा तो एसपी कलेक्टर बन के पैदा होगा, गलत काम करेगा तो कुत्ता बिल्ली चूहा छछुंदर बन के पैदा होगा, कीड़े मकोड़े बन के। मैंने कहा क्यों ऐसा क्यों, वो स्वर्ग में जाएगा ना भाई। बोले जानते हैं क्या, देखिए बूढ़ा था तकरीबन 65-70 साल की उम्र थी, मगर कहता है कि स्वर्ग में इतनी जगह ही नहीं है ना कि आदम से लेकर अभी तक सब लोग मरने के बाद उसी में जाए, इतने लोग कहां आ पाएंगे। पूरी दुनिया के लोग मरने के बाद स्वर्ग में जाएंगे तो स्वर्ग में जगह तंग हो जाएगी, स्वर्ग छोटा हो जाएगा। मैंने उससे कहा भाई जो पानी के कतरों से इंसान बनाता है वो स्वर्ग को बड़ा नहीं कर सकता। क्या कहा मैंने, जो पानी के कतरों से इंसान बनाता है वो अल्लाह स्वर्ग को बड़ा नहीं कर सकता। इतना घटिया अकीदा, कुत्ते बिल्ली में पैदा होना वो तस्लीम है हासिल। इस्लाम बोलता है उस औरत से शादी करो जो ज्यादा बच्चा दे, उम्मत मोहम्मदिया में इजाफा। और रज़ाक अल्लाह है, कुरान शरीफ में आया ला तक्तुलू औलादकुम खशियत इम्लाक, भूख के डर से अपनी औलाद को कत्ल मत करो। पहले पैदा होने के बाद कत्ल कर दिया जाता था, अभी पैदा होने से पहले कत्ल कर दिया जा रहा। खाएंगे क्या, खिलाएंगे क्या, अच्छी परवरिश कैसे होगी, अच्छी पढ़ाई कैसे होगी, किसको अच्छी पढ़ाई कहते हैं भाई। आईएएस आईपीएस बनने को अच्छी पढ़ाई कहते हैं जिसको इस्तिंजा करने का तरीका नहीं मालूम। अब जाके पूछे किसी डीएम से पूछे तो वुजू में कितने फराइज, गुसल में कितने फराइज है बता दो। एसपी कलेक्टर से जाके पूछे गुसल में कितने फराइज है, वो बोलेगा साबुन चाहिए, टावेल चाहिए, पानी चाहिए, मगर अनवा सीधे हाथ से पिए। मगर एक मदरसे के तालिब इल्म से जाके पूछे गुसल में कितने फराइज है तो वो कहेंगे तीन, कुल्ली करना, नाक साफ करना, पूरे बदन पे पानी बहाना। पता ये चला कि आईएएस आईपीएस एमडी डीएम एसपी कलेक्टर अपने बदन को पाक नहीं कर सकता तो दुनिया से करप्शन को कैसे पाक करेगा, करप्शन से दुनिया को कैसे पाक करेगा भाई। बदन की नजासत को दूर नहीं कर सकता वो, मगर वो 5 साल का बच्चा जो अनवारे शरीयत पढ़ता है मदरसे में मस्जिद में वो जवाब देगा वजू में 4 फराइज, कुल्ली चेहरा धोना, हाथ धोना, मसा करना, पांव धोना, गुस्ल में 3 फराइज, कुल्ली करना, नाक साफ करना, पूरे बदन पे पानी बहाना। पता ये चला करोड़ों रुपया खर्चा करके जो एसपी कलेक्टर बनाया ना वो नापाक का नापाक ही है, फ्री में इमाम साहब ने पाक होने का तरीका बता दिया है। इसलिए इस्लाम में उसी बच्चे की बात मोतबर है जो अनवारे शरीयत से बोलता है, वही पढ़ाई पढ़ाई है जिस पढ़ाई से खुद भी पाक होता है और दूसरों को भी पाक करता है। पढ़ाई के डर से बच्चा नहीं पैदा कर रहे लोग, बोला हौला वला कुव्वते इल्ला बिल्लाह, खिलाएंगे क्या, अच्छी परवरिश कैसे करेंगे। जिसने नबियों को पैदा किया वो अल्लाह है, जिसने जन्नत बनाई, जिसने आसमान बगैर सुकून के बनाया वो अल्लाह है, वो अल्लाह हमारे बच्चों को नहीं पाल सकते। इतनी घटिया सोच, इतना कमजोर ईमान, हम दो हमारे दो माजल्लाह या रब्बिल आलमीन। बच्चों के लिए वजीफा इजाद नंबर 19 के लिए तनख्वाह है उमर फारूक आजम ने राइज की, टीचरों के लिए ये अभी जो बड़े बड़े कॉलेज स्कूल चल रही ना, पहले टीचर के लिए तनख्वाह थी नहीं, पहले बाजाबता सिस्टोमेटिक स्कूल भी नहीं थी, मदरसा भी नहीं थी, बल्कि आपको हैरत होगी एक अंडर और बुक की बात बता रहा हूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले पढ़ना लिखना मायूब समझा जाता था, लिखना मायूब समझा जाता था और पढ़ना सबके लिए अलाउ नहीं था, मखसूस लोग अमीर लोग पढ़ेंगे बस, गरीब लोग को पढ़ने की इजाजत थी नहीं। प्यारे मुस्तफा ने इकरा से शुरू करके यह कहा कि तालीम हर इंसान का हक है। जब नबी तशरीफ ला ऐलान नबूवत किया तो पूरे अरब में गल्फ कंट्री में 17 लोग लिखना पढ़ना जानते थे, कितने लोग, 17 लोग, और जब नबी दुनिया से जा रहे थे तो 1,25,000 लोगों को लिखना पढ़ना सिखा के चले गए।
तालीम को आम जिसने किया और सबके लिए कहा तालीम है, वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उमर फारूक आजम, उमर फारूक आजम से पहले नबी की बारगाह में लोग पढ़ते थे, जो पढ़े लिखे दूसरों को पढ़ा देते थे, लेकिन बाज़ाब्ता सिस्टमेटिक तनख्वाह दे करके टीचर को रखना और मुदर्रिस की तनख्वाह जिसने राज की, उमर फारूक आजम, जो आज स्कूल और कॉलेज वाले भी अपना रहे हैं। कुरान मजीद की तरतीब का एहतमाम किया, जो कल मैंने बताया था, हजरत अबू बकर सिद्दीक को मशवरा दिया। रमजान में तरावी की नमाज जमात के साथ हो रही थी, आपने देखा तो कहा नेमतुल बिदअतु हादिही, ये कितनी अच्छी बिदअत है। तब से तरावी जमात के साथ शुरू हो गई, उससे पहले जिसको जितनी मर्जी होती थी जितनी रकात पढ़ लेते थे। बाज़ाब्ता तरावी में पूरा कुरान खत्म करना ये उमर फारूक आजम के जमाने से शुरू हुआ। वक्फ के लिए कानून बनाया, ये अभी जो वक्फ का है ना कानून, वक्फ की प्रॉपर्टी है, और वजारतुल औकाफ में वक्फ बोर्ड में जितने हाकिम लोग हैं वो इतने नालायक हो गए हैं कि अगर उसको मौका मिलता है तो अपने लिए बेटे के लिए सात सात पुश्तों के लिए मनी जमा करके जाता है। हकीकत यह है कि सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, मैं सिर्फ गुजरात की बात करूं, सिर्फ गुजरात में वक्फ की इतनी प्रॉपर्टी है कि अगर उसके इनकम से मदरसा और मस्जिद चलाया जाए तो आलीशान इमाम की तनख्वाह और हुजरे इमाम का एहतमाम हो सकता है। एक रुपया भी चंदा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेहतरीन मदरसा, बेहतरीन मस्जिद, बेहतरीन स्कूल और कॉलेज चलाया जा सकता, मैं ये कहता हूं यूनिवर्सिटी बनाई जा सकती है। अजमेर शरीफ को कौन नहीं जानता, पता है आपको एक दिन का कितना इनकम, सिर्फ एक साल के इनकम से बड़ी यूनिवर्सिटी बन सकती है। ये वक्त की प्रॉपर्टी है, मगर किसी को शऊर भी नहीं। अच्छा, देने वाले भी जाके खूब देते, उनके भेजे में कभी तो मस्जिद में इमाम साहब की तकरीर सुनने के लिए तो आते नहीं जो कुछ समझ में आए, तकरीर के बाद में जाते हैं, इसलिए साल में एक बार अजमेर शरीफ जाके खूब जितना देना रहता दे के आ जाते हैं। कहां गया, क्या किया, किसने खाया, कहां गवाया, कोई फिक्र नहीं। और बड़ी बड़ी मस्जिदों में हमने ये देखा है कि इमाम साहब वो होना चाहिए जो ज्यादा इख्तिलाफी बात ना करें। ये इख्तिलाफी बात क्या है, मसले मसाइल ज्यादा नहीं बने, क्योंकि इख्तिलाफ होगा तो फिर हंगामा, लड़ाइयां होगी। अब भाई साहब, इमाम साहब ने ये कहा कि शराब पीना हराम, और शराब पर पूरी आधे घंटे की तकरीर हुई, और मुतवल्ली शराबी है, तो इमाम को बदल देगा ना, या तो बोलेगा ना कि वो इमाम लाओ जो शराब को हराम ही नहीं बोले। ये ऐसा ही चल रहा है, मैं एक एग्जाम्पल दिया, ऐसी हजारों मिसालें हैं, कोई बॉलीवुड में, कोई हॉलीवुड में, कोई कारोबार गलत करता है। अच्छा, मस्जिद बनाने में खुद बहुत दिलचस्पी लेंगे, ये ऐलान करूं मैं कि एक ताजु शरिया मस्जिद मोरबी में बनानी है, कौन देगा पैसा, एक सेठ खड़े हो जाएंगे मोरबी के, हजरत मेरी तरफ से पूरे छत की छत का सरिया मेरी तरफ से, पूरी छत का सरिया, दूसरा सेट हजरत पूरी सीमेंट मेरी तरफ से, तीसरा सेट पूरी टाइल्स मेरी तरफ से, टाइल्स का कारोबार है ना मेरे पास, पूरी टाइल्स मेरी तरफ से, चंद महीनों में हाई फाई खूबसूरत मस्जिद तैयार। अब मैं दूसरा ऐलान करूं कि इमाम साहब मुफ्ती लाना है, तनख्वाह 20,000 नहीं 40,000, 12 लोग खड़े हो जाए, साल में एक महीने की तनख्वाह उनको देना है, मुहर्रम की एक आदमी, सफर की दूसरा, रबीउल अव्वल का तीसरा, इस तरह 12 लोग खड़े हो जाए, कोई तैयार नहीं हो। उसके भेजे में क्या बैठा हुआ है कि मस्जिद बनाना सवाब का काम है, ये बैठा हुआ है ना मेरे भाई, यकीनन सवाब का काम है, लेकिन इनकलाब का काम नहीं। मस्जिद से सवाब मिलेगा, जिहालत का खात्मा नहीं हो सकता, बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। मस्जिद से जाके आप ये कहें मस्जिद की दीवार से, मस्जिद की दीवार साहब, मस्जिद की दीवार साहब, इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है बताइए ना, बताएगी दीवार। मस्जिद के मेहराब से जाके पूछे, अल्लाह के वली जिंदा है, कुरान में कहां लिखा है बताइए ना, मस्जिद का मेहराब बताएगा, मिंबर बताएगा, मस्जिद की छत बताएगी, नहीं।
पता ये चला मस्जिद 3 बिलियन की हो और इमाम नाजरा खां हो तो मोरबी से जहालत का खात्मा नहीं होगा। और अगर मस्जिद खजूर की छत शाख और तना का बना हुआ हो, मस्जिद खजूर की, खजूर की पत्तियां, खजूर की शाख और तने की बनी हुई मस्जिद है और इमाम इमामुल अंबिया है तो मुख्तदी अबू बकर पैदा होते हैं, उमर पैदा होते हैं, तलहा जुबैर और हमजा पैदा। क्या ये हकीकत नहीं? खजूर की मस्जिद में हमारे नबी ने मुख्तदी अबू बकर पैदा किया, उमर पैदा किया, तलहा जुबैर और हमजा पैदा। भेड़ चाल चलने की आदि है, हम लोग जैसा सब चल रहे हैं, हाँ दिमाग को यूज ही नहीं करेंगे। हाफिज 10,000, आलिम 20,000, मुफ्ती 40,000, मुजद्दिद मिल जाए तो मोरबी में इमाम रखे ना, 1,00,000 तनख्वाह देना, मुजद्दिद को लाए इमाम साहब, 1,00,000 तनख्वाह दे। ये इनकलाब का काम है, इससे जहालत का खात्मा होगा। वक्त के लिए हासिल ये कि वक्त की इतनी प्रॉपर्टी है कि अगर वक्फ बोर्ड के जो हुकमा हैं ईमानदारी से काम करे तो मस्जिद मदरसा में चंदा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मगर जो हाल है वो देख रहे हैं आप। मस्जिद के इमामों और मुअज्जिनों के लिए तनख्वाह का सिस्टम जिसने राइज किया, उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला, नमाज पढ़ाने का कोई पैसा लेता है क्या? अफजलुल इबादत है ना नमाज, नमाज पढ़ाने का कोई पैसा लेगा? मगर उमर फारूक आजम ने देखा कि मस्जिद में इमामत के मुसल्ले पे कोई जाने को तैयार नहीं, जो अच्छा आदमी है वो कहीं काम से चला गया तो अब नमाज पढ़ाएगा कौन? और 22,00,000 मुरब्बा मील में इस्लाम की हुकूमत है, जो अहल है वो कारोबार के लिए चले गए, इसलिए उमर फारूक आजम ने जो इमामत का अहल है तनख्वाह देकर के उसको कहा आपका काम है नमाज पढ़ाना, और तब से ये सिस्टम राइज हुआ तो आज हमारे यहां भी इमाम साहब है। ये कब से चल रहा? उसी जमाने से। मुअज्जिन का भी चल रहा, मुअज्जिन के बारे में ये आया कि जो फ्री में अजान देता है गर्दनें ऊंची होगी मैदाने महशर में, लोग दूर से कहेंगे वो देखो जन्नती जा रहा, वो जन्नती जा रहा, ऊंची गर्दन वाला। कहा यार कौन सा काम करता था ये, तो ये अजान देता था, मगर अभी फ्री में कितने लोग अजान देने को तैयार है? तनख्वाह देकर के राज किया उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला। 26 ज़िलहिज्जा, 23 हिजरी, 63 साल की उम्र थी। ये भी कितने अच्छे दोस्त थे नबी के, देखे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र भी 63 साल, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला की उम्र भी 63 साल, हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला की उम्र भी 63 साल। ये उम्र में दोस्ती मिन जानिबिल इंसान नहीं हो सकती, मिन जानिबिल्लाह ये दोस्ती है, मिन जानिबिल्लाह ये दोस्ती। उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला, हदीस शरीफ में आया कि सब लोग जहन्नम की तरफ गिरे जा रहे हैं, गिरे जा रहे हैं, और पूरी उम्मत की कमर पकड़ के उमर फारूक आजम जहन्नम से खींच रहे हैं, खींच रहे हैं, उम्मत गिरी जा रही है मगर उमर फारूक आजम खींच रहे हैं, जन्नत की तरफ ला रहे हैं। पता यह चला हम में से जो आदमी भी जन्नती है उमर फारूक आजम की बुनियाद पर जन्नती है। यह हदीस में आया उमर फारूक आजम कमर पकड़ के खींच रहे हैं, जन्नती बना रहे हैं, यह उमर फारूक आजम है। खुतबा के दौरान इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला पहुंच जाते हैं, इंजिल मिंबरे अभी वधम इला मिंबरे अभी, मेरे नाना के मिंबर से नीचे उतरिए, अपने बाप के मिंबर पे जाइए। किसने कहा? इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला ने। वाह रे उमर फारूक आजम, 22,00,000 मुरब्बा मील का हाकिम ये सुनने के बाद फौरन नीचे उतरे, इमाम हुसैन को गोदी में लिया और कहा अल्लाह ने मेरे सर पे जो बाल उगाए हैं ना ये भी आपके सदके में उगाए हैं, आपके सदके में उगाए हैं।
मेरे बाप का कोई मिंबर नहीं है, इसलिए आप ही के नाना के मिंबर पे मैं भी रहूंगा। मेरे बाप का कोई मिंबर नहीं है। हाकिम ऐसा होना चाहिए, 5 लाख मुरब्बा मिल का हाकिम। मेरे बाप का कोई मिंबर नहीं। गालिबन अब्दुल्ला बिन उमर, उमर फारूक आजम के बेटे और इमाम हुसैन में बहस हो गई, जहां तक बहस पहुंच गई कि इमाम हुसैन ने कहा तू भी मेरा गुलाम, तेरा बाप भी मेरा गुलाम। बेटे से ये बोल दे कोई दूसरा बच्चा, बेटे का दिमाग आसमान पे चला जाता है। मेरा बाप हाकिम है, तूने मेरे बारे में ऐसा बोला, मेरे बाप के बारे में भी बोला। जाके उन्होंने शिकायत कर दी उमर फारूक आजम से, अब्बू अब्बू इमाम हुसैन ने ऐसा बोला, तू भी मेरा गुलाम, तेरा बाप भी मेरा गुलाम। वाह रे उमर फारूक आजम, अपने बेटे से कहते हैं जाओ इमाम हुसैन से कहना लिख के दे दो कि मैं भी गुलाम और तू भी गुलाम, ताकि मैदान महशर में जब बारी आएगी तो ये लिखा हुआ कागज लेके सनद के तौर पर पहुंच जाऊंगा, या रसूल अल्लाह मैं आपके नवासे का गुलाम हूं। हाकिम ऐसा होता, 22 लाख मुरब्बा मील का हाकिम। शहादत की खबर हदीस शरीफ में आ गई थी, 26 जिलहिज्जा को जख्मी होते हैं और एक रिवायत के मुताबिक 1 मुहर्रमुल हराम को आपकी शहादत होती है। इंतकाल के बाद चूंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां दफन है बाजू में हजरत अबू बकर सिद्दीक, और बाजू में जगह खाली थी हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा के लिए, उमर फारूक आजम इंतकाल से पहले कहते हैं कि उनसे पूछ लो मुझे दफन होने देंगे। हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा इजाजत दे देती, कुर्बान कर दी अपनी जगह को, कुर्बान किया कि ये दोस्त है नबी के, मेरे शौहर के दोस्त है, वजीर है। जहां हजरत आयशा को दफन होना था वहां उमर फारूक आजम को दफन किया गया, उमर फारूक आजम को दफन किया गया। यहीं से पता चला नबी के बाजू वाली मिट्टी से उमर फारूक आजम की तखलीक हुई है। मस्जिद नबवी की तामीर जब नई तामीर हो रही थी और गड्ढे खोदे जा रहे थे नींव के लिए, तो एक पांव दिखा। लोगों ने कहा नबी का पांव दिख गया, नबी का पांव दिखा, नबी का पांव दिखा। एक ने गौर से पांव दिखा तो कहा ना ये नबी का पांव नहीं है, मैं पांव को पहचानता हूं, उमर फारूक आजम का पांव है। इसका मतलब ये हुआ वो पांव जब उमर फारूक आजम दुनिया में चलते थे तभी देखा होगा ना पांव, इंतकाल के बरसों बाद वो वैसा ही का वैसा रहा जैसे चलने के जमाने में पांव था। जब ही तो कहा नहीं मैं पांव को पहचानता हूं, ये नबी का नहीं उमर फारूक आजम का पांव है। और यहीं से ये पता चला कि मशीयत ये चाह रही है लोगों देख लो ये पांव सही सलामत है, सर कितना सही सलामत होगा, सीने कितना सही सलामत होगा, और जब उमर फारूक आजम जिंदा है तो नबी कितने जिंदे होंगे, नबी की हयात कितनी अरफा वाला होगी। उमर फारूक आजम का एक बहुत बड़ा कारनामा और है, और ये अहले हदीस के लिए काबिले गौर है। अहमदाबाद में कुछ मस्जिदें हैं अहले हदीस की, इंडिया में कई जगह, दुनिया में कई जगह, सऊदी का रियाल है, टेंशन नहीं है, मस्जिद रातों रात तैयार हो जाती है, मर्द भी नमाज पढ़ेगा मस्जिद में, औरतें भी नमाज पढ़ेगी मस्जिद में, मर्द भी औरतें भी। क्यों भाई? बोले हदीस में आया ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मर्द औरत दोनों नमाज पढ़ते थे मस्जिद में,
इसमें कोई शक नहीं, मगर हजरत उमर फारूक आजम ने रोक दिया फितने को देख करके। औरतों ने शिकायत की हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु अन्हा से, देखिए ना नबी के जमाने में हम लोग मस्जिद में नमाज पढ़ते थे, अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम ने रोक दिया। हजरत आयशा आम खातून का नाम नहीं है, वो बहुत बड़ी आलिमा भी थी, मुफ्तिया भी थी और मुजतहिदा भी थी, मुजतहिदा भी थी हजरत आयशा सिद्दीका। वो फरमाती है जिसकी वजह से उमर फारूक आजम ने रोका है, अगर नबी देख लेते तो वो भी रोक देते, नबी देख लेते तो। लिहाजा उमर का रोकना नबी का रोकना, इसलिए अहले हदीस से मैं कहूंगा हदीस के झूठे दावेदारों, ये फितना तुम्हें नजर नहीं आ रहा? उमर फारूक आजम से ज्यादा स्मार्ट हो गया तू, ज्यादा जीनियस हो गया तू, दीन का दर्द नमाज का शौक उमर फारूक आजम से ज्यादा है क्या तेरे पास? उनको मोहब्बत नहीं थी इस्लाम से, ख्वातीन इस्लाम से, वो ये नहीं चाहते थे कि औरतें भी नमाज पढ़े, यकीनन चाहते थे, मगर मस्जिद में नमाज पढ़ने से ज्यादा सवाब घर में नमाज पढ़ना था, इसलिए उन्होंने रोक दिया है, घर में नमाज पढ़ना ज्यादा सवाब। इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मस्जिद तो पाक है औरतों से, इनकी मस्जिद नापाक है औरतों से, इनकी अहले हदीस की मस्जिद नापाक है औरतों से। मगर सुन्नियों में अफसोस की बात यह है कि जिस उमर ने मस्जिद में जाने से औरतों को रोक दिया, वो औरतें मजारों पे जाने लगी, खानगाहों में जाने लगी, उर्सों में जाने लगी, हाजी अली पे घूमने लगी, टूरिस्ट वीजा निकालने लगी, गार्डन और बीच में जाने लगी, जूहू को आबाद करने लगी। माशाल्लाह रब्बिल आलमीन। अब सोचे मस्जिद में जाने से उमर फारूक आजम ने रोक दिया, अगर उर्स में आपको देख लेते तो क्या हाल करते? इसलिए हाकिम उमर फारूक आजम जैसा होना चाहिए, और आप में से हर फर्द अपने घर का हाकिम है, अपनी बीवी को रोके, पर्दे का एहतमाम करवाए, शरीयत के दायरे में जिंदगी गुजारने का तरीका बताए, महीने में एक बार इमाम साहब को घर पे दावत दे, घर में भी पर्दे का एहतमाम करे, खवातीन एक तरफ जेंट्स एक तरफ, और फिर इमाम साहब से कहे सीरत फातिमा जहरा बताइए, सीरत राबिया बसरिया बताइए, सीरत आयशा सिद्दीका बताइए, सीरत सदाकत बताइए, हिस्ट्री ऑफ द उमर फारूक आजम बताइए, इमाम हुसैन का बचपना जवानी का कारनामा बताइए। अगर महीने में एक बार आपने इमाम साहब को दावत देके ये सब सुना, खुद भी और बीवी बच्चों बच्चियों को भी सुनाया, तो आपकी बेटी कभी काफिर के साथ नहीं भागेगी, क्योंकि हिस्ट्री उठा के देखे वही लड़की भागती है जिसके घर में दीनी तालीम की कमी होती है, स्कूल में पढ़ी लिखी होती है भाई साहब, ऐसा नहीं कि वो इलिटरेट होती है कुलियत, नहीं, कॉलेज गर्ल होती है वो, यूनिवर्सिटी की टॉपर होती है वो, मगर काफिर के साथ भाग जाती है, क्योंकि दीन की तालीम नहीं है ना भाई। निकाह किससे होगा किससे नहीं होगा ये कॉलेज में नहीं बताया जाता, ये मदरसे में बताया जाता है। बच्चा हरामी कब होता है और हलाली कब होता है ये सेंट पायस सेंट जोसेफ लिटिल फ्लावर में नहीं बताया जाता, ये जामियतुर रजा जमदाशाही और रोनाही और दारुल गौसे आजम पोरबंदर में बताया जाता, ये दीनी मदारिस में बताया जाता ना भाई। और कुछ लोग होते भी अजीब है, बच्ची को कॉलेज भेजेंगे, बच्चे को स्कूल भेजेंगे और तमन्ना करेंगे ये कोई वली हो जाए। भाई साहब वली मदरसे से बनता है, स्कूल से थोड़ी बनता है। ये तो ऐसे ही हो गया ना कि आपने जमीन में हल चला के और बबूल का बीज बोया और ऊपर से मिट्टी डाल के पानी डाल के फिर दुआ कर रहे मौला एप्पल दे दे, एप्पल दे दे, एप्पल दे दे, बताइए जिंदगी भर दुआ करेंगे वहां से एप्पल निकलेगा? भाई बबूल का बीज बोया तो बबूल निकलेगा, बच्चा स्कूल जा रहा तो जाकिर नायक बनेगा वो, तौसीफुर रहमान बनेगा वो, बच्ची स्कूल जा रही तस्लीमा नसरीन बनेगी वो। अगर आपको मुजाहिदे मिलने चाहिए तो मदरसा भेजना होगा।
तादु शरिया चाहिए तो मदरसा भेजना होगा, हाफिज मिल्लत चाहिए तो मदरसा भेजना होगा, और ये नहीं कर सकते तो कम से कम मदरसे वाले को घर में बुला के ट्यूशन जरूर पढ़वाए। उर्दू अरबी लाजिम है, जितनी स्कूल में बच्चियां पढ़ रहे हैं सबके लिए लाजिम है। रब्बे कदीर हम सबको कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फिक्र शरीफ पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कल हमारी गुफ्तगु होगी हजरत अली और फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा पर। सलाम हो जानान मुस्तफा को हमारा, सलाम हो सुल्तान करबला को हमारा, सलाम हो जानान मुस्तफा। उम्मत के वास्ते जो उठाई हंसी खुशी, उठाई हंसी खुशी उस लज्जत जफा को हमारा, सलाम हो सुल्तान करबला को हमारा, सलाम हो जान। प्यासा